पता ना मेरे को, बस पैसे दिखे नहीं कि फट से उठा के डाल ये लो। काम नहीं करती मैं, ठीक है ना? ना मेरे को इनसे पैसों की इतनी जरूरत होती है। ये पट क्या निकाल लो पैसे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? यार हो बहुत ही बढ़िया हो गए। मैं सैल चावला आप लोगों को भाई आज आ गया हूँ एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो भाई गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है यार, हमारी वीडियो को यार व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। मानता हूँ मेरे काम नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने प्रैंक्स नहीं बनाए तो व्यूज़ में असर पड़ता है, और वो ऑब्वियस सी बात है कि पड़ता है। सबसे पहले तो एक चीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार व्यूज़ मेरे को पहले जैसे अपना प्यार दिखाए, सपोर्ट बनाए रखे अपने भाई के ऊपर। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बना रहा हूँ और ऐसी वीडियोस लाता रहूं और भी ज़्यादा एक्साइटेड और भी ज़्यादा। आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो कि भाई मैं क्या प्रैंक लेकर आऊं, क्या आप लोग किसको मतलब ज़्यादा क्रेज़ है, क्या प्रैंक करूं प्रीति के ऊपर, जो भी जैसे भी आप लोगों को सजेशन हो उसमें मैं अपना प्रैंक ज़रूर करूँगा, प्रीति के ऊपर आगे दिखाऊँगा। तो फिलहाल बात करते हैं आज की प्रैंक की, क्या करने वाला हूँ आज मैं। गाइस अभी मैं बाहर आया हूँ, मतलब फ्रेश होकर बाहर आया था नहाकर, और प्रीति गई हुई है ऊपर छत पर, तो वो आती ही होगी वैसे तो। तो मैंने क्या किया था, मैंने जब गया था ना तो अपने ना बाइक के नीचे एक 500 का नोट रख के गया था, 500 का नोट, ठीक है? आप देख सकते हो, आपको दिखा दूँ, ये मैंने 500 का नोट यहाँ पे मैंने रखा हुआ था टेबल पे, बाइक की चाबी के नीचे एक पान, ठीक है? बाइक की चाबी के नीचे 500 का नोट रखा हुआ था। और अब क्या करने वाला हूँ मैं, प्रीति के ऊपर प्रैंक करने वाला हूँ, जो कि आपको पता चलेगा। मैं सबसे पहले तो ये कर दूँ कि प्रीति आ ना जाए, उससे पहले मैं अपना फटाफट से ना इसको हाइड कर देता हूँ कैमरे को, क्योंकि फिर पता नहीं कब एकदम से आ जाए वो और पता नहीं लग पाएगा। तो कैमरा ना यहाँ हाइड कर दूँ क्या इसके ऊपर, ठीक है? तो यहाँ से कैमरा लोकेशन ये सही रहेगी मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ हल्का। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी करने क्या वाला हूँ, अभी करने वाला हूँ ये मैंने नोट उठा लिया है चाबी से बाहर, और इसको मैं डालने वाला हूँ प्रीति के बैग के अंदर, ठीक है? तो भैया प्रीति का पर्स मैंने ले लिया है और प्रीति के पर्स में हम डालने वाले हैं, प्रीति के पर्स में हम डालने वाले हैं ये 500 का नोट। फटाफट डाल देता हूँ इसके अंदर, एक और बैग है ये क्या है, इसे मैं डाल देता हूँ। तो गाइज ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है? अब इस बैग को वापस रख देता हूँ अंदर जाके। और एक चीज़ और कि इस बार मैं पिछली बार की तरह गलती नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले प्रैंक में उसने मेरा पॉकेट से कैमरे का कैप देख लिया था, तो जिस वजह से तो उसको पता चल गया था एंड में, बट मज़ेदार सक्सेसफुल प्रैंक गया है उसको। तो अब मैं देखता हूँ प्रीति का, वेट कर रहा हूँ वैसे तो। यार क्या ढूंढ रहे हो, क्या हो गया? अरे यार ये नहाने से पहले मैंने यहाँ पे अपना नोट रखा हुआ था एक, क्या पैसे रख के गया था इधर यार, 500 का नोट रख के गया था अभी इधर। उड़ गए होंगे सोफे वगैरह के नीचे देखे। हाँ उड़ गए होंगे सोफे वगैरह के नीचे देखे। देखा तो है यार, देख चुका हूँ इतनी देर से, वही तो देख रहा हूँ, और कहाँ देखूंगा और कहाँ जाएगा, सोफे के नीचे जाएगा और कहाँ जाएगा? तो जमीन तो खाने की होगी, या तो फिर या आसमान उड़ाने गया होगा, कहाँ जाएगा, घर में से कहाँ जाएगा? जाएगा तो एक ही जगह जा सकता है मेरे को जहाँ तक, बड़ी देर से लग रहा है क्योंकि बहुत देर होगी ढूंढते ढूंढते। तो कहाँ जा सकता है अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, एक बारी मिल जाए फिर देखूंगा। कहाँ जा सकता है, हालत कैसी कर ली, पैसे कितने थे? अरे सिंह 500 का नोट रख के गया था टेबल पे यार, 500 का ही नोट था, चीज होती इसके है। नीचे रख के गया था चाबी के नीचे लटका के, कौन लेके गया, कोई घर पे भी नहीं आया, तू कहाँ थी? छत पे थी। छत पे क्या करने गया था? एवी कैसे? कपड़े डालने गए थे, कुछ लेने गए। ये जवान लड़खड़ा क्यों रही है? ऊपर आशकिया लड़ाने गई थी, ये सुनना चाह रहे हो? आशकिया वाशकिया तो छोड़ दे, मेरे को ये बता नोट कहाँ गया 500 का? मुझे क्या पता, अरे वो नोट बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी हुआ था। मेरे को क्या पता, तुम रख के ऐसी चीजें चले जाते हो तो फिर ढूंढवाना, देखना साइड में उधर उधर कहीं तो देखना, तो उन्हें भी नहीं देखा। तो और क्या करूँ मेरे को यार,
मेरे को तो फिर यही लग रहा है खुद ही गायब होगी एकदम से। मैं बाहर आया तो खुद ही नहीं था, तो तभी नोट भी नहीं था। कहाँ पे रखा है? जब तुम आए थे तब मैं थी, तो जब मैं बाहर आया था तब नहीं थे ना, तो मैं बाहर आया तब नहीं थे, जब मैं अंदर गया था तब तो था ना बाहर, और तभी रख के गया था मैं नोट। बोलना क्या चाह रहे हो? अब मैं बोलना जो चाह रहा हूँ वो साफ साफ है सबके सामने, ये बोलना चाह रहे कि मैंने ले लिया। और किसने ले लिया होगा पता ना मेरे को, बस पैसे दिखे नहीं कि फट से उठा के डाल ये लो। काम नहीं करती मैं, ठीक है ना, ना मेरे को इनसे पैसे की इतनी जरूरत होती है। पता नजर तो रहती है कि पति का, बस एक बार पर्स हाथ में आता है और तो पति के पैसे मारना बीवी का हक होता है। हाँ तो हक होता है, तो मेरे को ये हक अभी तो दिखाना, बोला नोट वगैरह जरूरी है मेरा। मेरे सामने कितने भी पैसे पड़े, मेरे से पैसे और ले लियो, अगर उन्होंने नोट लिया तो मेरे को दे दे वो वाला यार। हदी हो गई है, मेरे को नहीं पता, मैंने कभी तुम्हारे पर्स से पैसे निकाले भी है? मैंने कभी ऐसे पैसे उठाए जो तुम मेरे पे शक कर रहे हो? यार उठाए नहीं है, मेरे को पता है ना कि क्या होता है, रात को सोते सोते पर्स में से कई बार दो बार निकाले हुए हैं ना, मैं तभी पूछ रहा था। मैंने कहा वो निकाले हैं, वो जरूरत के टाइम पे निकाल लेते हैं, वो सब पत्नी का हक होता है, ठीक है ना। रे मैं निकालूंगी ऐसे पैसे तो ठीक है ना, बट अभी का जो नोट है वो तो दे दे यार, जरूरी है, क्योंकि मेरे को बता दे लिया तो मैं परेशान हो रहा हूं, क्योंकि उस पे मैंने बहुत जरूरी काम भी है। सुनो हाँ? मैंने वो नोट नहीं लिया आपका, ठीक है ना, मुझे नहीं पता वो आपका नोट कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो घर के अंदर से जाओगे तो ऐसी गायब, तो घर से कौन गायब करेगा, कोई और था अभी तो नहीं घर पे। पंखा चलता है, उड़ गए कहीं, घुस गए, क्या करूँ मैं, सब जगह देख चुका हूँ, हालत नहीं देख रही, पसीने पसीने हो गए हूँ यार, देखते देखते तब भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ बता। और मेरे को तो यही पता है रखना, अब आज कल पैसे मत रखना क्या, अभी तो पैसा चला गया ना मेरा 500 का, रख लूंगी कोई बात नहीं, रख क्या लूंगा मेरे को पता है कि खुद लेके बैठ गई होगी। और फालतू के नाम मत लगाओ, आ रही है नाम क्या नहीं लगाऊ, बोल नहीं रही हो तो मतलब नाम लगाए जा रहे हो। बेटा ले ले पैसे, मना नहीं, 500 की जगह 1000 ले ले मेरे से, मगर दो तो मेरे से ले लियो ना, मैं दे दूंगा, मैं से 500 1000 ले लियो, 2000 ले लियो, मगर वो 500 का जरूरी है। पैसे कहाँ रखूंगी मुझे क्या बता, कहीं छुपा के रख दिया है, कहीं अंदर रखे अपने पर्स वगैरह में रखे होंगे, भूल गया हो कुछ हो, मेरे को क्या बता। ये पर्स क्या, निकालो पैसे, ये क्या तमीज है, निकालो पैसे, ये क्या चक्कर है भाई, पर्स में पैसे रखा, निकालो ना। ये मत सोच के अगर पर्स दे दिया तो मैं देखूंगा नहीं, पर्स देखूंगा तब भी ऐसे मैं सोच रही हूँ। कैसे नाम लगा सकते हो मेरे ऊपर, क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें पता भी है? कोई बात नहीं भाई, तो पर्स चेक भी कर रहे हैं कितने गंदे हैं, तो क्या करूँ, पर्स चेक क्यों ना करूँ भाई, वो जब काम का है तो जरूरी, इसमें तो रखे नहीं हुए, इसमें तो नहीं रखा तूने। एक मिनट, ये छोटा पर्स चिल्लड़ है उसमें, चिल्लड़ों में बेटा कई बार बहुत मिलड़े भी होती हैं, अगर हुआ ना इसमें रिएक्शंस तो ऐसे से दे रहे हो कि बस अब इसी में ही है। ओह नो, क्या है ये? मेरा नहीं है, क्या है ये? मेरा होगा पुराना नोट, ये दे दो इधर वापस, इसी में डाल दो। अरे मेरे को नहीं पता मेरे पैसे, मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ पसीनों से यार, फिर भी नहीं बता रही कि मैंने ले लिया, ले लिया एटलीस्ट बता, मैंने बोला दूसरे ले लियो, और तब भी नहीं डाला हुआ। बस मत करो, मेरे को नहीं पता पर्स के अंदर कहाँ से आया, नहीं ये कोई बात नहीं है ना, चिल्लड़े पड़ी है ये लोग, तो ये हवा में, मैं क्या, मैं हवा में आ गया उड़कर, तो इसके अंदर से कहाँ से गया, फिर मेरा पुराना नोट होगा, तुम क्यों अपना नोट बना रहे हो फिर इसको? अच्छा ये पुराना नोट होगा, इसके अंदर 6 भी होगा नंबर, में दिखा दूं, ये देख है कि नहीं, मेरे को पता है ना कि वही है ये नंबर, यार तुम ना मेरे पहले ऐसे पर लिखा जो था, ये देख लिखा हुआ जो मैंने पेंसिल से, मेरे को नहीं पता ये नोट कहाँ से गया मेरे बैग में, ना मैं जानती, और मेरे पे चोरी पर मेरे को तो पता लग गया ना, चोरी का नाम नहीं लगा रहा मैं चोरी का नाम नहीं लगा रहा, इसको कोई चोरी का नाम नहीं बोला जाएगा, मैं कोई ये हरकतें नहीं करती हूँ, ये तो दिख रहा है ना अब साफ साफ, मैं क्या बोलूं, तुमने रखा होगा, अब मेरे पास यही टाइम रह गया, यही काम रह गया, बस उठा के पर्स उठा कर रख दूं, मुझे पता है रहने दे, मेरे पास यही काम रह गया ना, तुम्हारे पर्सों में हाथ डाल डाल के वो चीजें करता रहूं फटाफट, यार हरकतें मत करो यार, पर्स भी वो वाला लाया जिसमें पैसे नहीं पड़े थे कोई भी, दूसरा पर्स में कहा है, लाल वाला पर्स कहा है, नहीं है मेरे पास कोई और पर्स इसके अलावा, दिला तुम जो बड़े पर्स पर चिल्ला रहे, अच्छा दिखा जरा, अंदर से निकालूं अभी पर्स, बाहर से अभी मैं पर्स निकाल के लाता हूँ, देखे सारे पर्स निकालता हूँ ना, पता चलेगा दिलाया है, मुझे नहीं पता ये पैसे अंदर कहाँ से है, मेरे पे नाम मत लगा देना दोबारा, बता रही हूँ, अब शक्ल क्यों बन रही है, इसमें मेरी गलती है कोई, नाम क्या लगाऊं मैं, कहाँ से लाऊं, ये हवा में आसमान में पर्स खुद उड़ा के ले गया, तुम नहीं रखे होंगे, मैं नहीं रखे होंगे 100% तुम नहीं रखे होंगे, देख लेना, क्योंकि मुझे मैं ऐसे काम करती ही नहीं हूँ,
ना मैंने अपने मेरे पापा के कितने पैसे सामने पड़े होते थे, कभी ऐसे मैंने एक नोट नहीं उठाया। तो भाई उसमें मेरी गलती है क्या, मेरे को क्या पता, अब उनको क्या पता चल रहा है, पड़े रहते हैं तो मैंने तो कभी ऐसे लिए पता थोड़ी चलता है, कई बार तो गिने नहीं होते ना पैसे, उठा लियो गायब हो गए, क्या पता कौन ध्यान देगा इसमें। क्या हो गया, अब ठीक है ना, ले लिया था तो बता देता मैंने, थोड़ी मैंने नहीं लिए, जब बोल पैसे चाहिए पैसे पैसे फटाफट से, कुछ सामान चाहिए तो मैं बता दिया कर, सामान चाहिए होता तो बता दिया कर, चल ले करना है मेरे पास इतने पैसे कि मैं अपना सामान ले सकती। हाँ तो वो तो होंगे ही पता है ना, वैसे जैसे ये गायब करे हैं वैसे पता नहीं गायब कर लिए होंगे, और कुछ नहीं ऐसा पता ही है, तभी सोचता हूँ कई बार गायब हो जाते हैं पैसे। अब ये क्या बात हुई, अगर 500 ने वापसी ले 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 भाई, तो वापसी ले ले यार, लाओ दे दो लाओ दे दो लाओ दे दो लाओ दे दो, ये तुमने ही रखी हो मुझे अच्छे से पता है, और मैं जान के मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे बहुत ये भी बहुत अच्छे से और पता अच्छा है। और देखो ये भी पता है कि मैं जान के परेशान कर रहा हूँ, फिर भी जान के परेशान हो रही है, और जान के करने होते हैं ना तो ये नोट में निकालता नहीं है उसमें से, समझ आई, नहीं निकाल तुमने ही रखा, तुम जान के मुझे निकाल के परेशान कर रहे हो, मैं कोई परेशान नहीं कर रहा जान के, अब जल्दी से पप्पी दे और ये 500 नोट ले, पप्पी पहले बोलिए फटाफट हाथ मारने के लिए वाली बात। अब अच्छा झूठे ऐसे तुम किसी थर्ड पर्सन के सामने किस दिन ऐसे तुमने नाम लगा, कौन सा थर्ड पर्सन दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा थर्ड पर्सन दिख रहा है यहाँ, थर्ड पर्सन वर्सन नहीं होते यहाँ, पता कौन है यहाँ पे, लाखों दुनिया है देखने वाली, लाखों वो देखेंगे, लाखों दुनिया चोर कहीं के, ये भी नहीं मिलेंगे 500, क्यों नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई, तुमने बोला होगा ना सारी देगी तो दे दूंगा पैसे दे दूंगा गाइस, वीडियो लो लो, अरे लो ना मैं जान, अरे मेरी जान, वैसे तो लो गाइस, तो गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, आप लोगों के सामने है भैया 500 करोड़ कितना बड़ा चोरी करा हुआ है, निकाला इसके पर्स में से, और ये सच्ची कहानी है आपके सामने है, और आप सबको पता ही है कि ऐसी सच्ची कहानी है, ठीक है, 500 करोड़ प्रीति ने लिया था अपने पर्स में छुपा के रखा था, सब लोगों ने देखा है, सबके सामने निकला है, ठीक है, कोई बड़ी उसमें वो भराने वाली बात नहीं है। तो गाइस देख ही चुके हो आप लोग जैसे कि ये नोट प्रीति को मैंने दे दिया है आप सबके सामने, और सबूत आपके सामने है, कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये देख लो भैया मेहनत लगी है इस वीडियो में बहुत ज्यादा, ठीक है, पसीने पसीने बहुत भाई और हमारा भाई रखने की मेहनत लगी है, और ये जो 500 का नोट था वो भी चला गया है, वो मैं कोशिश करूंगा दोबारा निकलवा लूं बाहर, पर मेरे को पता है वो देने, हाँ बस भाई अभी दे रही हूँ, मतलब वो कभी नहीं होगा, तो गाइस मैं आपको मिलूंगा।